पब्लिक टीवी आपकी आवाज। तो जैसे ये प्रकरण हम लोगों के सामने आया, समक्ष आया, तो हम लोगों को लगने लग गया कि कहीं ना कहीं दाल में काला है, करनी उनकी है और भरनी हमारे ऊपर आ रही है। तो इस विषय को लेकर के जब हमने अपने लीगल एडवाइजर्स से बात करी तो उसमें ये बात निकल के आई कि अगर हमारा कोई भी बैंक का डॉक्यूमेंट या बैंक से हमारे अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं या कोई क्रेडिट कार्ड खो जाता है तो हम लोग जो है सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग जो है बैंक को बोलते हैं कि साहब उस क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक कर दिया जाए जिससे कि उसका मिसयूज ना हो जाए, और ज़्यादा मिसयूज हो गया है और ज़्यादा ना हो। उसके बाद फिर जो है हम लोग कहाँ जाते हैं, साइबर क्राइम पे जाते हैं जहाँ पूरी व्यवस्था है, उनके पास ऐसे ऐसे टेक्निकल लोग बैठे हुए हैं सरकारी मदद से, इंटरनेट की मदद से वो लोग जो है दूध का दूध पानी का पानी करना जानते हैं। आज सुबह मैं सुबह करण दुग्गल जी के साथ जाकर के एसपी क्राइम सफदरजंग एनक्लेव में जो बैठते हैं उनसे मेरी वार्तालाप हुई है, और जो है उन्होंने जब मेरा प्रकरण सुना और प्रकरण सुनने के बाद जो मैंने उनको तथ्य दिए हैं उन तथ्य के आधारों पे उन्होंने इमीडिएटली जो है उसकी FIR दर्ज कर दी है। मुझे उम्मीद है कि हम जो है इस FIR के माध्यम से जो उम्मीदवार हैं या जिन लोगों ने हमारे खिलाफ जो है लिख करके दिया है और NSDL के खिलाफ या EPCHO जिसने भी गलती करी है वो जो है इस अपराध में जो भी शामिल है उसके सामने हफ्ते भर के अंदर 10 दिन के अंदर मैं आपको कोशिश ये करूँगा कि मैं अभी कोई भी डॉक्यूमेंट आप लोगों को नहीं दिखा सकता क्योंकि आज ऑफिसर्स ने मुझसे ये बात कही है कि आप जांच का प्रक्रिया चालू हो चुकी है इसलिए आप कोई भी डॉक्यूमेंट प्रेस को मीडिया को या किसी को भी साझा ना करें। लेकिन जो है मैं दोबारा 5 दिन के बाद आप लोगों से मिलूंगा, साथ के साथ में मैं आपको बताऊंगा कि क्या किसने ये काम करा है, कहाँ से ये काम हुआ है, किस फैक्ट्री में बैठ के ये काम हुआ है, किस जगह से ये बैठ के काम हुआ है। इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई भी सवाल हो तो आप हम लोगों से पूछ सकते हैं। षड्यंत्र और दूसरे जो है विवेक अग्रवाल जी है कलकत्ता से, ये दोनों शख्स का योगदान पूरा लग रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो जो एक कॉमन प्लेस जो बनाई गई है वो राजस्थान बनाई गई है, राजस्थान के कुछ लोग भी इसमें शामिल हैं तो वो सारा सामने आ जाएगा। हम लोग जो है जांच शुरू हो चुकी है, रिपोर्ट हो चुकी है जांच सर अभी कुछ देर पहले द एक्सपोर्ट एसोसिएशन ने भी एक कॉन्फ्रेंस करी है, उन्होंने तो समर्थन करा कि फर्जी वोटिंग में यह अंदरस्त हुआ। किसने द एक्सपोर्ट एसोसिएशन ने क्या यही कहा है कि फर्जी वोटिंग हुई है और जो निरस्त कर दिया समर्थन कर रहे हैं उनका तो उसमें फायदा है ना। उनका उसमें फायदा है, उन्होंने ये काम करा है और उनका फायदा क्या है कि वो एक आखिरी सवाल था मेरा। हाँ जी, क्या उन लोगों ने हमसे इस विषय में कोई मदद मांगी कि आप हमारा सहयोग करिए, हमारे साथ गलत हो रहा है? जिन लोगों के साथ गलत हो रहा था उन लोगों ने हमसे क्या मदद मांगी? हम सब प्रत्याशी हैं, भाई भाई हैं, एक ही शहर के हैं कि साहब हमारे साथ ये गलत हो रहा है, आप हमारा साथ दीजिए। और हमने उनका साथ ना दिया होता, उनकी बात ना सुनी होती तो हमारा हो जाता नंबर। वो EPCH में गए, उनकी क्या टेक्निकल परेशानी थी, चुनाव अधिकारी ने क्या सुना, उसने क्या समझ के वो ऑर्डर किया, उस व्यवस्था में हम तो कहीं नहीं आते। पारदर्शिता की जो आप मैं आपकी बात का जवाब जरूर दूंगा। हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया, सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया, तो उसमें किस पे आक्षेप आएगा? हाई कोर्ट पे, सुप्रीम कोर्ट पे? ये कानूनी प्रक्रियाएं हैं, मैं इस विषय में इतना सक्षम नहीं। आपने नाम भी लिखा? जी मैंने वो लिख लिया। उस बच्चे का मोबाइल नंबर चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, मैंने आपको वो बोर्ड भी दिखाया किसके पक्ष में पड़ा था। हम यही समझते रहे कि NSDL जैसी साइट को हैक नहीं किया जा सकता, हम इसी भ्रम में रहे। जब विपक्षियों ने ये देख लिया
ये दांव सामने आने लगा। मैं और भी अब आपको स्पष्टता से बता दूं, 4 बजे शाम को इलेक्शन कमेटी के सामने ये तथ्य प्रस्तुत किए गए, उनके अपने ही नोटिस में लिखा है 4 बजे का समय, आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, हेडिंग पे है। 2:42 पर जिन लोगों ने डेमो दिया था, उनके 2 बोर्ड का डेमो का एक फोटो उन्होंने डाला। उन दोनों व्यक्ति को ये पता ही नहीं है कि हमारा डेमो किया जा रहा है। इलेक्शन के अंदर कोई भी बोर्ड बिना वोटर से पूछे बिना आप डेमो भी नहीं कर सकते हैं, ये भी एक क्राइम है, हमने ये भी क्राइम में लिखा है। जिन लोगों को आप डेमो कर रहे हैं, पहले आप उनको विश्वास में लेंगे। मैं अगर आपके घर का ताला खोलूंगा डुप्लीकेट चाबी से, तो मैं पहले पूरी कर लूंगा अपनी बात, आपकी बात चाबी से लूंगा, मेरे कुछ मित्र भी सुन रहे हैं, पूरी करनी है अपनी, चाबी से दरवाजा खोल लूं, मुझे मालूम है कि मेरे पास डुप्लीकेट चाबी है, लेकिन पहले पूछूंगा आपसे कि भैया चाबी से खोलूं या ना खोलूं। तो ये सब एक रची हुई रचना थी, और अब इसका फैसला हम नहीं करेंगे, साइबर क्राइम करेगा और SP क्राइम दिल्ली करेगा। बहुत जल्दी हम तथ्य के साथ इसी मंच के माध्यम से आप लोगों के सामने पेश होंगे, वो सरकारी तथ्य होंगे कि साइबर काम में किसने करा। आज मुरादाबाद में भी हम जा रहे हैं, आज मुरादाबाद में भी केस करा जी, और एक मुद्दे पे लड़ रहे हैं। लेकिन मैं इसलिए आपसे तो यह है कि जिसको चाहो उसको जिता दो, जिसको मैं वही गंभीर अपराध कह रहा हूँ। जब मैंने ये पकड़ लिया कि मेरे इस मित्र ने डाका डाला है, तो मैं ये कह दूं कि भाई डाका तो डाला है, लेकिन इसको रफा दफा कर दो, मेरा काम है। मैं पत्रकार बंधुओं से कहना चाहता हूं कि मैं इनके खिलाफ FIR लिखाऊं, इनको प्रूफ करूं कि इन्होंने चोरी करी है, अनर्गल आरोप ना लगाऊं। लेकिन वो आपसे पहले चले गए, मैं पहले हमेशा जब साजिश होती है ना, तो साजिश पहले ही होती है, क्योंकि साजिश करता तैयार होता है। 21 मार्च को ही जब ये सामने आया, हम लोग अपने इलेक्शन में लगे हुए थे, तो हमने सोचा कि हो सकता है कि ये इन्होंने अपने वोट का या इनके किसी परिवार वाले ने, और ये देख लीजिए वोट किसके फेवर में पड़ा हुआ है, देख लीजिए इसको, बता दीजिए फर्म है आपको, जरा जोर से बोलिएगा, और इनको जरूर बताना है आपको। ये मतदाता है सर, मतदाता कोई पता नहीं, NSDO से मेल नहीं आया था वोट का, तो हमने 21 मार्च को मेल किया कि हमें मेल पासवर्ड से नहीं मिली है, उसका कोई जवाब नहीं आया, और 23 मार्च को मैसेज आ गया कि आपका वोट पड़ चुका है। वोट किसके मार्च को आपने 21 मार्च को आपने मेल की थी, 23 मार्च को जवाब आया कि आपका वोट पड़ गया, जवाब नहीं आया, मैसेज आया, मैसेज आया, दूसरी पार्टी के 2 दफ़ा के CEO मेंबर श्री शरद दलसर जी, वो शायद ऐसे ही जीते होंगे। हेमंत जी ये टेक्निक मुझसे ज़्यादा जानते थे, मैं पहली दफ़ा इलेक्शन में लड़ा हूँ, वो ये ऐसे जीत लेते, उन्हें ज़रूरत ही नहीं थी जाने की। और उससे पहले भी उनके जोधपुर राजस्थान के मित्र जो षड्यंत्र में शामिल हैं, वो भी इससे बहुत परिचित थे। ये राशिद भाई, ये 20 और 21 साल की बात नहीं, इलेक्ट्रिक से डालेंगे मोदी जी जीत जाएंगे, ये हम डालेंगे उन पे पहुंच जाएगा। जब विपक्षी जीतते थे तो बोले हमने आपकी बड़ी नजर रखी ई वोटिंग पे, देखिए हम लोग ऊपर जा रहे हैं, जल्दी करना चाह रहे हैं, मतदाता बढ़ रहे हैं। मैंने सबसे पहले बताया, प्रेस रिलीज में लिखा कि EPCH ये इलेक्शन कराती है, DC हैंडीक्राफ्ट सरकार की बॉडी है, EPCH का बड़ा छोटा भाई नहीं है, और DC हैंडीक्राफ्ट ही इनको चुनते हैं NSDL को, NSDL वो संस्था है जो रिलायंस टाटा बिरला के कराती है, EPCH का रोल सिर्फ इतना सा है कि वो उसको कोऑर्डिनेट करती है।